कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलवार को जन अधिकार महारैली में शामिल होने राजधानी रायपुर पहुंची। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि यहां के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुँचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। रैली के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचाई जाएगी। कुमारी शैलजा ने आगे कहा कि आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन इस पर अड़चनें पैदा की जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। संवैधानिक रूप से भी हमारे जो निर्वाचित विधानसभा है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में लोगों में बहुत प्रतिक्रिया है और इस बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज एक रैली के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि आरक्षण का जो मामला है, जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, आज उसे कानून बनाने में कैसे अड़चनें पैदा की जा रही हैं। जब सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित किया जाए तो उसके बाद उस पर ऐसी अड़चनें पैदा करना यहाँ के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज हम इस रैली में इन सब बातों को रखेंगे। उसके अलावा आज राजीव भवन में हम हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षों से भी बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी और हमारे MLA साहिबान से भी बातचीत की जाएगी।